सर पहले मैं आजा लेक्चर देंगी। पहले डॉक्टर हाजरा को इनवाइट कर लें। ओके इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल लिसनर्स। आई होप यू आर ऑल वेल इंशाल्लाह। फर्स्टली आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस वेबिनार डॉक्टर मोहम्मद अकरम चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन सर्जरी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इंफॉर्मेटिव प्री for joining us and inshallah. Beautiful words of Allama Muhammad Iqbal or national poet and the poet of East. Quran me ho gota izan ae mard e muslima. Quran me ho gota izan ae mard e muslima. Allah kare tujhko ata jiddat kardar. Dedication of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم शैतान से उनकी और बेहतरीन क्या हमने उसको सब नीचों से नीचे लोगों की जो ईमान लगा सो फिर वाले ही वसल्लम इसके बाद जजा और सजा के मामला में क्या नहीं है अल्लाह सब हाकमों से बड़ा हाकिम। जजाकल्ला। Now beautiful words in the praise of Prophet Muhammad, peace be upon him. Sabab takhleeq duniya ka jahan jab bhi kahin likha. Sabab takhleeq duniya ka jahan jab bhi kahin likha. Muhammad awwal, Muhammad aakhri likha. Kaash woh chehra nahi dekha hota. Kaash woh chehra meri aankh ne dekha hota. Mujhko tujhne usi daur mein लिखा होता। क्या खबर क्या सलाह मुझको मिलती क्या खबर क्या सजा मुझको मेरे आका इज्जत बचा ली परदेसियां मेरी मुझसे लेकर काली कमली में अपनी छुपा ली क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती
सुभान अल्लाह। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट और स्पेशल गेस्ट स्पीकर डॉक्टर हाजरा वान। थैंक यू सो मच डॉक्टर हाजरा फॉर जॉइनिंग अस, फॉर योर प्रीशियस टाइम यू हैव गिवन अस। प्लीज स्टार्ट एंड शेयर योर प्रीशियस नॉलेज अबाउट फैटी लिवर, प्लीज डॉक्टर हाजरा। Assalamu alaikum, I am Hadra Awan. I am from Eastern Medicine and Surgery Department. Firstly, I would like to thank Dr. Muhammad Akram, HOD Department of Eastern Medicine and Surgery. And I would like to thank Dr. Nimra Shahid and Sir Mansoor Al-Aziz from Matab Al-Mansoor for organizing this very informative webinar and inviting me today as a speaker. So today my topic is fatty liver. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लीवर का जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। इसके जैसा कि मेन फंक्शंस में आ जाता है कि ये डाइजेशन करता है प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोड्यूस करता है बॉयल, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज को, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, उसके अलावा हार्मोन प्रोडक्शन और उनकी एलिमिनेशन करता है। अगर तो लीवर का जो फंक्शन अगर लीवर जो है वो नॉर्मली फंक्शन करेगा तो कुछ जो है प्रॉब्लम्स वगैरह कॉज होंगी और उनकी एक कह लें कि एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग कहते हैं फैटी लीवर। फैटी लीवर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फैट जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है हमारे लीवर में। इसकी जो मेन रीज़न है वो ये हो सकती है कंसप्शन ऑफ अल्कोहल, मेडिकेशंस, हाइपेटाइटिस बी सी, और उसका उसके बाद ये है कि अगर लाइफस्टाइल कोई चेंजेस वगैरह है या कोई अंडरलाइन कॉज है, कोई डिजीज़ है जैसे कि हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, अगर ब्लड में जो है वो हाई कोलेस्ट्रॉल है तो जो है कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लड में जो है वो स्लोली एंटर होता है लीवर से और फिर क्या होता है वो रीज़न बन जाता है फैटी लीवर का। दोनों की जो रीज़न्स हैं वो तो डिफरेंट है लेकिन दोनों का जो इम्पैक्ट है वो सेम होता है और इसी को हम लोग कह सकते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। उसके बाद इसके सिम्टम्स की अगर बात करें तो सिम्टम्स में ये होता है कि हमारे अपर राइट पोर्शन अपडामन का जो है वहाँ पे जो है वो हमें एक ड्रैगिंग सेंसेशन या हैवीनेस फील होती है। उसके अलावा हमारा अपडामन जो है वो स्वेल हो जाता है या लेग्स वगैरह जिसको हम लोग एडिमा भी कहते हैं। उसके अलावा वीकनेस होती है और डार्क कलर यूरिन भी हो सकता है। अगर हम लोग इसकी कॉजेज की बात करें तो कॉजेज में आ सकता है ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डिफरेंट मेडिकेशंस की वजह से। ओबेसिटी में इसलिए कि अगर हम लोग एक्सेस कैलोरीज ईट कर रहे हैं तो वो क्या हो करेगा कि वो फैट जो है वो बिल्डअप हो जाएगा हमारे लीवर में। जब लीवर जो है वो प्रोसेस नहीं करेगा, ब्रेक नहीं करेगा फैट्स को, तो फिर हमारा जो है वो फैट जो है वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यह है कि कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जो मतलब कि हमारे लीवर के लिए मतलब के बैड हैं, जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि जितनी भी बेकरी फूड आइटम्स हैं, जितनी भी बेकरी फूड आइटम्स हैं, सबसे पहले तो यह है कि जिनमें शुगर ज़्यादा है जिसकी वजह से मतलब कि ओबेसिटी हो सकती है। उसके अलावा हाई ट्राइग्लाइसराइड्स लेवल जो है हमारी बॉडी में, उसमें यह है कि उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो लीवर डिजीजेस कॉज कर सकता है। इसमें प्राइमरी क्योंकि इंग्रेडिएंट जो है वो मैदा होता है और वाइट फ्लोर जो है ये डाइजेस्ट करना जो है वो हार्ड होता है, और उसके अलावा ये जो है लीवर में फैट एक्यूमुलेशन हो सकती है। उसके अलावा ये है कि फिजी ड्रिंक्स जिनको हम लोग सोडा या कोला वगैरह एक्सेस कर, सोडा कंजप्शन जो है ये एक मेजर कॉज है उसकी वेट गेन की और ओबेसिटी की लोगों में। और उसके अलावा ये कि ओबेसिटी जो है वो हमारे लीवर को अफेक्ट करती है, वो क्या करती है फैटी एक्यूमुलेशन कर देती है लीवर में। उसके अलावा ये है कि सोडा जो है वो एक डेडली कम्बिनेशन है शुगर का, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का, इसको हम लोग एम्प्टी कैलोरीज भी कहेंगे और ये डेट्रीमेंटल है हमारी लीवर हेल्थ के लिए। उसके अलावा जितने भी फास्ट फूड्स है जिनमें फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स वगैरह, इनमें क्या होता है हाई सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ट्रांस फैट और कॉन्टेंट होता है और ये लीवर के लिए डाइजेस्ट करना जो है वो मुश्किल होता है। उसके अलावा ये है कि हाई सैचुरेटेड फैट्स जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं ओवर टाइम, और अगर तो ये एक्सेस में हो जाए तो फिर ये सिरोसिस भी हो सकता है। उसके अलावा ये है कि सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो रेज कर देते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल को, डिक्रीज करते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारी बॉडी में, और इसकी वजह से हार्ट डिजीज का रिस्क भी हो सकता है जैसा कि स्ट्रोक्स वगैरह और फैटी लीवर भी कॉज कर सकता है। उसके बाद यह है कि अगर हम लोग इसकी डाइट की बात करें तो इसमें ये भी है कि क्यों इसलिए हमें बेकरी आइटम से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनमें क्या होता है फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज किस किस में होता है? स्वीटनर्स में हो सकता है, प्रोसेस फूड्स में हो सकता है, सोडास में, जंक फूड्स में, और क्योंकि शुगर एक टेबल स्पून जो शुगर का है उसमें 50% ग्लूकोज होता है, 50% फ्रुक्टोज होता है। ग्लूकोज में ये एबिलिटी है कि बॉडी के हर सेल में, हर ऑर्गन में मेटाबोलाइज करने की, इसको तो एक साइकिल में डालकर एनर्जी में कन्वर्ट करने की। फ्रुक्टोज सिर्फ जो है वो लीवर से मेटाबोलाइज होता है, इसलिए हमें फ्रुक्टोज से जो है वो फ्रुक्टोज रिलेटेड जितनी भी फूड्स हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि लीवर को इनको मेटाबोलाइज करने के लिए डिफिकल्टी होती है। उसके बाद ये है कि
अगर हम वो खुराक ले रहे हैं जिनमें मेथियोनिन और कोलीन कम है, तभी फैटी लिवर के चांसेस हो सकते हैं। मेथियोनिन क्या है? ये एक प्रिकर्सर है, ये स्ट्रॉन्ग फाइबर की बुनियाद बनाता है। इसमें ग्लूटाथायोन होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, पावरफुल पेप्टाइड है। उसके अलावा जितनी भी ड्रग मेटल्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। उसके बाद कोलीन है, कोलीन क्या है? ये एक लिपोट्रॉपिक एजेंट है, ये डिजॉल्व करता है फैट्स को, ब्रेक करता है फैट को। उसके अलावा रिवर्स करता है इसको फैटी लिवर को। उसके अलावा कोलीन जो है वो प्रेजेंट है एग योक में होता है, ग्रास मिल्क है, उसके अलावा योगर्ट, बीफ लिवर। उसके बाद जितनी भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं जिनमें कैबिज आ जाता है, कैरेट्स आ जाती हैं, कॉलीफ्लावर आ जाता है, सोयाबीन, उसके बाद ब्रोकली वगैरह। मिथ्युनिन जो है ये चिकन में होता है, बीफ में, फिश में, नट्स में और एग्स में। लीवर से जो फ्लूलूड निकलता है जिसने फैट को ब्रेक करना होता है, और डिसम में विटामिन ए डी ई को अब्जॉर्ब करना होता है, इसे हम बाइल कहते हैं। और ये बाइल को बनाने के लिए हमें जो है सैचुरेटेड फैट्स वगैरह की ज़रूरत होती है। सैचुरेटेड फैट्स में जो है वो देसी घी आ जाता है। उसके अलावा ये कि अगर तो आर्जिनेज एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो गई है जिसने कि मैगनीज बनाना होता है, तो मैगनीज की कमी की वजह से भी हमें जो है वो फैटी लीवर हो सकता है, या अगर आर्जिनेज एंजाइम है। क्योंकि आर्जिनेज एंजाइम ने क्या करना होता है कि प्रोटीन को ब्रेक करना होता है, अगर प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम ही नहीं है तो प्रोटीन यूरिया में जो प्रोटीन है वो यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगी, तो वो अमोनिया का जो लेवल है ब्लड में बढ़ा देगी। अमोनिया का ब्लड में जो है वो अगर होगा तो वो टॉक्सिक हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए, इसके लिए जो है ब्रोकली है वो बहुत बेस्ट है, वॉलनट्स है, क्योंकि वॉलनट्स में जो है वो आर्जिनेज एंजाइम्स बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा ये है कि अगर तो किसी को अल्कोहलिक फैटी लीवर जिसमें जैसे कि लीवर इन्फ्लेम हो जाता है, इसके लिए ज़रूरी है कि ग्रेप फ्रूट में क्या होता है कि फ्लेवोनॉइड होता है। फ्लेवोनॉइड का क्या काम है? वो ब्रेक करता है फैटी लीवर को। उसके अलावा इसमें ग्लूटाथायोन होता है, ग्लूटाथायोन क्या करता है? डिटॉक्सीफाई करता है टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से। उसके अलावा बीट रूट है, बीट रूट क्या है? ये एक ब्लड प्योरीफायर है, इसमें विटामिन ए और क्रिटिनाइड्स होता है, और ये फैटी लीवर के लिए जो है वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा ये कि नहारमू जो है वो नींबू पानी, क्योंकि लेमन में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, और इसमें जो है विटामिन सी होता है जो को इंजाइम बीटा ऑक्सीडेशन करता है, को इंजाइम की। उसके अलावा ग्रीन टी है जिसमें कैटाजिन होता है, कैटाजिन का क्या काम करता है कि ये चर्बी के जमा होने की जो है उसकी स्पीड है उसको कम करता है, और ये डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा एप्पल है, एप्पल में क्या होता है? पेक्टिन होता है, पेक्टिन में क्या है? एक मैलिक एसिड होता है जो एक नेचुरल प्योरीफायर है, और ये वॉश आउट करता है टॉक्सिन्स को हमारे इंटेस्टाइन्स से। बियर में भी यही सेम है। उसके अलावा ब्रोकली है, ब्रोकली में क्या होता है? ग्लूकोसाइनोलेट्स होते हैं जो डिटॉक्सिफाई करते हैं। उसके अलावा वॉलनट्स है, फॉर्टनट्स में क्या है कि ये इसमें भी ग्लूटाथायोन होता है, और ये जो है फैटी लीवर के लिए जो है वो बहुत बेस्ट है। उसके अलावा प्रोबायोटिक्स है जिनमें जो है वो एप्पल साइडर विनेगर है, या घर का बना हुआ अचार, कैफीर, ये बेस्ट है। उसके अलावा वो हाई फाइबर फूड आइटम्स है, सेब, नाशपाती, ग्रेन्स, जवार, बाजरा, बेसन की रोटी, ये जो है ये इसके लिए बेस्ट है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि हम लोग फैट को रिमूव कैसे कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज के थ्रू हम लोग जो है वो उसकी अमाउंट है जो फैट की उसको कम कर सकते हैं लीवर में। उसके अलावा कोई हैवी वर्कआउट वगैरह वो भी हमारी इन्फ्लेमेशन को मतलब कम कर सकता है। उसके अलावा फैटी लीवर को हम लोग मैनेज कैसे करते हैं कि हमें चाहिए कि जो है वो कम से कम अल्कोहल का इस्तेमाल करें, एक हेल्थी डाइट लें, उसके अलावा वेट लूज करें, डेली एक्सरसाइज करें, अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करें, अपने हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है वो ट्रीट करें, स्मोकिंग को क्विट करें। इसके अलावा इसके कुछ टेस्ट हैं फैटी लीवर के जिनमें आ जाता है सीबीसी, उसके अलावा लीवर इंजाइम, लीवर फंक्शन टेस्ट आ जाता है, लिपिड प्रोफाइल, लीवर बायोप्सी, लीवर जो इमेजिनिंग टेस्ट है उनमें लीवर बायोप्सी आ जाता है। लीवर बायोप्सी हम क्यों करवाते हैं कि हम लोग इसकी जो है लीवर डिजीज़ की सेवेरिटी को चेक करने के लिए। ड्यूरिंग लीवर बायोप्सी हम क्या करते हैं, डॉक्टर जब इंसर्ट करता है नीडल लीवर में, और वो फिर वहाँ से एक टिश्यू का पीस रिमूव करता है एग्जामिनेशन के लिए, और ये हमें मतलब के बताता है कि लीवर डिजीज़ की वो है कितनी की सिवियरिटी है। उसके बाद इसमें एक आ जाता है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, जो हमें जो है इसमें जो है यूज़ करते हैं डिफरेंट साउंड वेस्ट उस, और जो है हम लोग एवेल्यूएट करते हैं उसका लीवर का साइज़, उसकी शेप वगैरह। और अल्ट्रासाउंड इमेजिनिंग में क्या होता है कि जो स्टीटोटिक लीवर होता है वो ब्राइटर होता है देन नॉर्मल, और जो सिरोटिक लीवर होता है वो लंपी और श्रंकन होता है। उसके अलावा ये है कि अगर हम लोग देखें कि, और इसके अलावा ये है कि इसके टेस्ट वगैरह यही है जी सर, बस इतना ही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर हाजरा फरजानी, बस सर।